गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस के क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपडेट दे देता हूँ कि अनअकैडमी में आजकल क्या हो रहा है बच्चों। तो 12 से 18 दिसंबर को बच्चों क्लास 11th का बूट कैंप है फॉर IIT JEE फॉर दोज स्टूडेंट्स हुआ पार्ट ऑफ 2023 प्रिपरेशन, यानी कि जो इस समय क्लास 11th में हैं उनका बूट कैंप चल रहा है बच्चों। तो क्या होगा इसके अंदर, तो इसमें जो भी बच्चे 12th में जाने वाले हैं तो उनका क्लास 11th का सारा जो है कोर्स वो एक हफ्ते में रिवाइज कराया जाएगा बच्चों। दे विल बी एग्ज़ाम अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी एंड दे विल बी द मोटिवेशनल सेशंस। तो 7 दिन, अगला हफ्ता आपका 7 दिन पूरा बुक कर लीजिए बच्चों। दे विल बी 38 एजुकेटर्स एंड दे विल बी 20 सेशंस टू बी पार्ट ऑफ दिस बूट कैम्प। दिस विल श्योरली हेल्प यू रिवाइज द मोस्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ द क्लास 11। तो चलिए अब बात करते हैं क्या क्या होने वाला है बच्चों। तो देखिए, डे जीरो यानी कि 12th दिसंबर को बच्चों आप 10 बजे से 11:30 बजे तक आपको नमो कॉल सर एंड पूर्णिमा लोधा सर जो है मैम 10 AM से 11:30 AM पे बूट कैंप का लॉन्च करेंगे, ठीक है। और फिर ना 8:30 से 9:30 PM के टाइम में यू मस्ट बी नोइंग विकास गुप्ता सर, ठीक है, जिनकी ब्लैक बुक है, MS चौहान सर को कौन नहीं जानता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जबरदस्त बुक बच्चों, है ना। तो दे विल बी टेलिंग व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट क्लास 12 सिलेबस फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स। फिर सचिन राणा सर को भी आप जानते ही होंगे बच्चों, 3:30 से 4:30 बजे वो क्लास 12th के JEE एस्पिरेंट्स के लिए मोटिवेशनल एक सेशन लेकर आएंगे, ठीक है। और काशिफ आलम सर, ठीक है, उनका चैनल भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, तो वो शुरू कर देंगे बच्चों पढ़ाई लिखाई। फिर उसी दिन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जो कि पहला चीज़ आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं वो कवर करेंगे काशिफ आलम सर। फिर टाइम टेबल क्या होना चाहिए बच्चों क्लास 12th के JEE एस्पिरेंट्स के, आपके प्यारे सर मनोज चौहान एंड शरद कोठारी सर, ये लोग इसको लेंगे। फिर क्या, हाउ नॉट टू क्रैक, है ना, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है बच्चों आपको JEE की प्रिपरेशन में, वो निशांत वोरा सर एंड साक्षी गनोत्रा मैम इस बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। तो ये 6 सेशन होने वाले हैं, टाइमिंग आप जरूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा बच्चों। ये देखिए 10 से 11:30 असेंडिंग ऑर्डर में मैं लगा रहा हूँ इसको, 12 से 1, है ना, इसका टाइमिंग नहीं दिख रहा है मेरे को, एज़ पर एजुकेटर्स वेन एवर दे विल फाइंड द टाइम, है ना, ये आ जाएगा तब तक 12 दिसंबर को, ठीक है, यानी कल संडे बच्चों, ठीक है। अब डे वन को क्या होगा बच्चों, 9 PM से 11 PM पे काइनेमैटिक्स, NLM और फ्रिक्शन, आपके तीन जो है टॉपिक, नमो सर इसको आपके, नमो सर प्यारे सर ये जो है इसका रिवीजन कराएंगे। फिर आपके बहुत ही प्यारे सर PMS सर वो 11:45 AM से 1:15 PM में दे ही इज़ गोइंग टू कवर पीरियोडिक टेबल। और विमल जायसवाल सर, ठीक है, ही इज़ गोइंग टू कवर 5:15 PM से 6:45 PM पे केमिकल बॉन्डिंग, 9 से 10 पे ट्रिग्नोमेट्री बच्चों, ओम शर्मा सर एंड वर्क पावर एनर्जी निंजा सर बच्चों, नितिन जैन सर फ्रॉम वाइब्रेंट अकेडमी, 7 PM से 8:30 PM तक। तो सभी टीचरों से आप रूबरू हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। 14 दिसंबर, ठीक है, आपके कुमार सांतनु सर, ATP सर, है ना, ATP वाले, सर्कुलर मोशन 9 PM से 11 PM बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री 9 से 10 जो भी बचा हुआ पार्ट रहेगा बच्चों, हाइड्रोकार्बन आपके प्यारे MS चौहान सर, सीक्वेंस एंड सीरीज बाय विनीत लुम्बा सर, कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास आपके प्यारे नीरज कुमार चौधरी सर, गौरव दीक्षित सर आपके लिए लाएंगे बच्चों, टेक, है ना, आप टाइमिंग नोट कर लीजिए बच्चों, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बोरॉन एंड कार्बन फैमिली, यानी कि पी ब्लॉक में ये दो फैमिली इज गोइंग टू कवर। रोटेशनल मैकेनिक्स बाय पंकज सिंह सर, ठीक है, आपके प्यारे अन्ना सर, कंपाउंड एंगल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अन्ना सर से पढ़िए बच्चों, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम फ्रॉम अखिलेश सर बच्चों, बहुत ही ऑसम टीचर हैं ये, एंड रिडॉक्स रिएक्शन फ्रॉम आशीष बिबियान सर बच्चों, SHM बाय कैलाश शर्मा सर, स्ट्रेट लाइन्स एंड सर्कल। तो देखिए ये डे 3 ही तक पहुँचे हम लोग, डे 4 नन अदर दैन फ्लूड मैकेनिक्स द एडवांस फिजिक्स सर, ठीक है, इनको बच्चे कहते हैं कि ये एडवांस के नीचे कुछ नहीं पढ़ाते, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल का पार्ट 2 यानी कि ये स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल का पार्ट 1 हुआ था, दोनों ही बड़े टॉपिक हैं,
प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अश्वनी त्यागी सर, मोल कॉन्सेप्ट बाय सुरेश द्विवेदी सर, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बाय प्रवीण कुमार, तो कैलाश शर्मा सर हैं, ठीक है, इस कैलाश शर्मा सर, तो इतना तो मुझे भी पता है, तो इसको करेक्ट कर लीजिए बच्चों, कैलाश शर्मा सर, ठीक है। पीएनसी एंड बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, काफ़ी टाइपो मिस्टेक किया ना अकेडमी वालों ने ना, ओम शर्मा सर, ठीक है बच्चों। वेव मोशन बाय जयंत नागड़ा, ठीक है, वेव मोशन बाय जयंत नागड़ा, पीएनसी एंड बाइनोमियल थ्योरम बाय सुदर्शन बैरागी, कैसियस स्टेट, आपकी प्यारी बुक लिखने वाले नरेंद्र अवस्थी सर, जिनकी बुक आप लगाते हो बच्चों पीएनसी में, ही इज कमिंग, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय आशिक बिलबियान सर, साउंड बाय नीलकमल सेतिया एन के एस सर, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स लकी चेथानी सर, हीट ट्रांसफर एंड काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अभिषेक जैन, कोनिक सेक्शन पार्ट वन रन विजय, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री इज फ्रॉम बिहार, बहुत ही मस्त बोलते हैं बच्चों, मजा आ जाएगी आपको, अनुपम गुप्ता सर, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नन अदर देन, जो कि स्टोरी सुना सुना के बच्चों को पढ़ाते हैं, एस के एम सर, थर्मोडायनेमिक्स एंड कैलोरीमेट्री कार्तिके पांडे, कोनिक सेक्शन पार्ट टू भाई रन विजय सर, ठीक है। तो चले स्टार्ट कर दें, तो पूरा मैंने आपको सात दो दिन का हाल बता दिया है, आई थिंक आपने देख लिया होगा कि आपका कोर्स बच्चों पूरा एकदम रिवाइज हो जाएगा ज़बरदस्त, तो ज़रूर से ज़रूर बच्चों आप जो है पार्टिसिपेट करें। अब हम लोग काम पे चल रहे हैं बच्चों, ज़बरदस्त काम जो हम लोग कर रहे हैं, है ना, हमारे काम को भी आप अप्रिशिएट किया करिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, R1 एंड R2 बी टू रिलेशंस डिफाइंड एज फॉलोज, तो यहाँ पे ए बी आपके जो है बच्चों आर क्रॉस आर से आने चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी चूज द करेक्ट पेन हियर, ए बी आर क्रॉस आर से आ रहा है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है क्या होना चाहिए, आपका रेशनल नंबर होना चाहिए, ए बी कुछ भी हो सकते हैं रियल नंबर, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है किसमें बिलोंग कर रहा है बच्चों, रेशनल, क्यों मतलब आप जानते हो, ये पहला रिलेशन है। दूसरा रिलेशन क्या बोलता है, ए कॉमा बी जो है आर स्क्वायर को बिलोंग करते हैं, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है वो रेशनल नहीं है, तो आपको ट्रांजिटिविटी इन दोनों फंक्शंस की बच्चों चेक करनी है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन पिक द करेक्ट सोल्यूशन बच्चों, ठीक है। तो शुरू हो जाए हम लोग, तो देखिए ऐसे केसेस में क्या होता है, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते ना, तो हमारे मन में एक दुविधा होती है कि पहले से ये मान लेते बच्चों कि शायद ये ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसे सवालों में बच्चों इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कि वो ट्रांजिटिव हैं, है ना, तो वॉट वी डू कि हम सोचते हैं कि कोई ऐसे एग्जाम्पल चूज किए जाएँ सो दैट इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। तो देखिए कि क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस बच्चों इसी के सही होने के रहते हैं, मैं पहले से आपको बता दूँ, थोड़ा सा आपको एक टेक्निक हो जाएगी, है ना, मान लीजिए समय में कम है तो आपको मैं बोल दूँ कि इस पे ज़्यादा ही आप जो है रिलाई कर सकते हैं सही होने के लिए, फिर भी करेंगे हम लोग तो क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, एग्जाम्पल्स लेने हैं, मतलब कुछ तो ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जो इसको सेटिस्फाई भी करे और ट्रांजिटिव ना हो, कुछ इस टाइप से आपको सोचना, जैसे कि ए कुछ भी ले सकते हो, हमने लिया ए को 1+√2 और बी को 1-√2, तो ये दोनों रियल नंबर हैं। अब देखिए जब इनका स्क्वायर करेंगे तो रूट वाला पार्ट तो कट ही जाएगा, पता ही आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे 1+√2 का होल स्क्वायर प्लस 1-√2 का होल स्क्वायर कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो 1+2 2√2, और इधर देखिए 1+2 -2√2, तो आप खुद ही देख लो बच्चों ये 3, 3, 6 है जो कि यस इट्स अ रेशनल नंबर, तो ठीक है, मतलब ये दोनों जो एलिमेंट हैं ये आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं इस रिलेशन को, तो ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं इस रिलेशन को। अब हम लोग एक और लेना पड़ेगा बी, तो यही ले लें और सी ले लेते हैं जो, अब देखिए सी कैसे चूज करेंगे, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, 8¹। अभी ये क्यों लिया बच्चों, इसमें बहुत ही बड़ा गेम है, अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि यही क्यों लिया। अब देखिए इनका स्क्वायर करेंगे हम जब, तो आपको याद होगा कि यहाँ 2√2 आया था, तो इसका जब आप स्क्वायर करते हो ना 8¹ का, तो ये 2√2 देता है, यही सोच के हम लोगों ने काम किया है, आप समझदार हो गए हो कि ये 2√2 आएगा,
जिससे कि रेशनल आ जाए बच्चों, इसलिए हम लोगों ने इस टाइप की चीज़ को चूज़ किया। तो यानी कहने का मतलब है कि ए कॉमा बी जो है रिलेशन का पार्ट है बच्चों, और साथ में आपका बी कॉमा सी भी इस रिलेशन आर वन का पार्ट है। अब अपने को चेक करना है कि क्या ए कॉमा सी रिलेशन का पार्ट है कि नहीं। अब हो जाएगा बच्चों अगर, तो फिर ठीक तरीका नहीं है इसको करने का, नहीं हुआ तभी समझिए जो है हम लोग कुछ सही कर पाएंगे इसे, ठीक है। तो 1+√2 का होल स्क्वायर, और सी क्या था बच्चों 8 की पावर। अब खुद आप सोचिए कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि आप देखिए 1+2+√2 ये खुद भी 2√2 है। अब देखिए ये इरेशनल हो गया, तो मतलब ए बी तो रिलेशन का पार्ट है, बी सी रिलेशन का पार्ट, लेकिन ए सी रिलेशन का पार्ट नहीं है। इसका मतलब R1 इज नॉट ट्रांजिटिव, R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। तो क्लियर है भाई, तो ये एक हो गया। अब ये कह रहे हैं कि आपको ऐसे नंबर चूज करने हैं सो दैट कि ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करो, R2 के लिए फिर से हम लोग, एक सेकेंड, R2 के लिए हम लोग फिर से बच्चों A को ले रहे हैं 1+√2, ठीक है, और B को हम लोग इस बार केवल √2, और C को 1-√2। इसमें बच्चों क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि हमें पता है कि A और C को जब स्क्वायर करे थे तो वो रेशनल आ गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि रेशनल ना है, तो पहले हम लोगों ने सेट कर लिया कि भाई ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो रेशनल नहीं आएगा, लेकिन इन ये दोनों रेशनल आने चाहिए और ये दोनों रेशनल आने चाहिए, ऐसा सोच विचार के काम किया गया। लेट अस सी कि क्या हमारा सोच विचार काम कर पाया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों 1+√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, देखते जाइएगा बच्चों 1+2+√2, और यहाँ पर देखिए आपका 2। तो सही है भाई, ये इरेशनल आया है ना, शायद मैंने बोला था कि रेशनल आएगा, इरेशनल आना है इसको, तो ये रेशनल का पार्ट नहीं है, ज़बरदस्त। और ये भी लोगे तो नहीं है, एक बार करके देख लीजिए आप, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड दिस थिंग वॉज नॉट पार्ट ऑफ रेशनल, यानी कि ए बी वॉज पार्ट ऑफ रिलेशन 2। क्लियर है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को जब आप लेते हैं तो बी स्क्वायर तो √2 का होल स्क्वायर हो जाता है, 1-√2 का होल कैंसिल होना नहीं है इसमें, 2+1+2-√2, तो 3 to 5-√2 विच इज़ ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ क्यू। तो यानी कि बी सी भी हमारे सेकेंड रिलेशन का पार्ट है, बी सी। अब ए सी चेक किया और अगर वो हो गया तो भाई ट्रांजिटिव है, ले नहीं हुआ कैसे होगा, इनको तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोनों एग्जांपल्स को याद ही होगा आपको, 1+√2 ये रेशनल आए थे, 1-√2 का स्क्वायर, 1+2, कई बार कई लोग तुरंत तुरंत भूल जाते हैं चीज़ें, इसलिए दोबारा से लिखता हुआ मैं, ठीक है, ये कैंसिल कर दो, 3, 3, 6 कितना आया 6, जो कि एक रेशनल है बच्चों। तो यानी कि ए सी डज नॉट बिलोंग टू क्यू, डज बिलोंग टू क्यू भाई, डज बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि ए सी इज नॉट पार्ट ऑफ रिलेशन 2, यानी कि इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो दोनों ही ट्रांजिटिव नहीं है बच्चों, पहला भी ट्रांजिटिव नहीं है और दूसरा भी ट्रांजिटिव नहीं है, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। तो यानी कि ए पार्ट इसका करेक्ट हो गया, तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में टाइम लगता है, यू विल हैव टू थिंक देयर, तो इजी नहीं बोलेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। अब ये डोमेन के क्वेश्चन है और इनवर्स के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। तो इसमें कह रहे हैं कि साइन इनवर्स जो है इसके लिए डोमेन बताना है, ठीक है। mod x + 5 / x² + 1, ठीक है। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स के केस में -1 से 1 के बीच में आता है, ठीक है। अब एक बात मेरे को बताइए कि लेफ्ट वाली जो इनइक्वालिटी है उसके बारे में अगर आप सोचें तो दिस इज़ ऑलवेज ट्रू बच्चों, दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अगर वो -1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली उसको 0 से भी बड़ा होना होगा बच्चों, क्योंकि ये 0 से बड़ा है। अब देखिए तो ज़रा,
ये मॉड है पॉजिटिव, पॉजिटिव में फाइव पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो केवल एक ही तरफ की इनइक्वालिटी आपको चेक करनी है, केवल एक तरफ की इनइक्वालिटी। तो अब ये पॉजिटिव है तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज ग्रेटर दैन मॉड एक्स प्लस फाइव। बचपन से आप इस तरीके के क्वाड्रेटिक सॉल्व करते आ रहे होंगे, अगर आपके पास मॉड एक्स, अगर आपने पिछला क्लास भी सेट वाला देखा हुआ तो वहाँ पर भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन में मॉड एक्स था तो एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर लिखा था। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास है। अब ये देख लीजिए आप एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस फोर, अब वही धराचार्य अपना प्यारा धराचार्य, तो वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो वन माइनस माइनस प्लस सोलह अपॉन टू ए यानी कि टू। ठीक है, तो ये देखिए आप ये वन प्लस माइनस रूट सत्रह बाई दो। ठीक है, अब क्योंकि ये मॉड एक्स में सोल्यूशन आया बच्चों, ये जो भी सोल्यूशन आ रहे हैं मॉड एक्स में आ रहे हैं सोल्यूशन, और सोल्यूशन कैसे आएंगे माइनस इन्फिनिटी से, क्योंकि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो है, तो आई होप आपको पता है बियॉन्ड द रूट्स देखा जाता है ना, बियॉन्ड द रूट्स देखा जाता है। तो अब क्योंकि ये मॉड एक्स है तो मॉड एक्स नेगेटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी इनइक्वालिटी आ रही बच्चों ये दिस इज कमिंग फॉर द मॉड एक्स, वी हैव सॉल्व इट फॉर मॉड एक्स। तो प्लीज़ रिमेंबर कि मॉड एक्स की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आएगी, एक्स की वैल्यू निगेटिव आएगी अभी, लेकिन जो हमने ये सॉल्व किया है रूट है ना वो मॉड एक्स के लिए, तो ये माइनस नहीं आएगा, वन माइनस रूट सेवनटीन विल गिव यू निगेटिव वैल्यू फॉर द मॉड एक्स, इसलिए हमें वन प्लस रूट सेवनटीन बाई टू करना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ सब कुछ सेट पैटर्न है, केवल वैल्यू पता करनी थी कि ए क्या होगा, तो वो आपको दिख ही रहा है बच्चों कि ये सी पार्ट में। ठीक है, तो ये डोमेन वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बच्चों, लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर लेस दैन और इक्वल टू एट इज अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड, देन द डोमेन ऑफ आर इनवर्स। तो आर इनवर्स मतलब बच्चों कि इधर से इधर का सेट है जैसे, तो आपको इधर आर इनवर्स मतलब ऐसे उल्टा हो जाए है ना इनवर्स, तो इस वाई की वैल्यूज एक्चुअली में आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो क्लियर है। तो अगर हम लोग वाई की वैल्यूज बच्चों देखें तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ सबसे मिनिमम से शुरू करते हैं, एक्स से सोचते हैं, एक्स को जीरो रखेंगे अगर तो वाई क्या क्या ले सकता है। तो वाई देखो, एक तो पहली बात वाई थ्री नहीं ले सकता बच्चों, क्योंकि अगर ये थ्री ले लिया तो ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा है ना, तो वाई थ्री से कम, तो थ्री से कम वाई में हम लोग देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए हम थ्री से जीरो तो ले ही सकते हैं, जीरो ऑब्वियसली वाई को ले सकते हैं, वाई को जीरो ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो जीरो रख के देखो तो एक्स क्या कुछ हो पा रहा है एक्स के लिए, ठीक है, क्या एक्स की वैल्यूज विल बी देयर विच विल बी लेस देन एट, डेफिनेटली जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू का स्क्वायर फोर हो सकता है, बस जीरो वन टू हो सकता है, माइनस वन भी हो सकता है एक्स के लिए, तो वाई जीरो ले सकते हैं हम लोग डेफिनेटली। वाई को क्या हम लोग वन ले सकते हैं, वाई को अगर हम लोग वन लेंगे तो वाई को हम लोग माइनस वन भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब एक्स स्क्वायर वन लिया या माइनस वन लिया तो थ्री हो गया, तो एक्स स्क्वायर लेस देन फाइव हो जाएगी, तो ऑब्वियसली जीरो हो सकता है इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो है मतलब वैल्यूज मिलेंगे आपको एक्स की, टू रखते बच्चों, टू का स्क्वायर फोर थ्री ट्वेल्व नहीं अब नहीं हो सकता, अगर हमने टू रख दिया तो थ्री इंटू फोर लेस देन एट, तो एक्स स्क्वायर लेस देन माइनस फोर हो जाएगा बच्चों, पॉसिबल ही नहीं है कि एक्स स्क्वायर जो है जीरो से छोटा हो जाए। ठीक है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा बच्चों, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सही है, समझ पा रहे हो आप कि कैसे किया जा रहा क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखें, अगर हम लोग कि अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर एंड एफ एक्स इज बच्चो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको कर भी सकता हूँ लेकिन आई वॉन्ट टू टीच यू कि कई बार जो है आपको थोड़ा सा ऑप्शंस के बेसिस पे भी चलना चाहिए। ठीक है,
अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शंस को देखें बच्चों, तो काफी चीजें माइनस हो रही हैं, है ना। तो इनको अगर देखें तो सभी जगह अगर देखें एक बात, तो जीरो ये लोग हटा रहे हैं। रेंज आप बताइए कि आर टू आर ये फंक्शन है, तो क्या ये फंक्शन जीरो वैल्यू नहीं ले सकता है? मुझे खुलेआम दिख रहा है बच्चों कि अगर आप एक्स की जगह जीरो रख दो, एफ जीरो अगर आप निकालो, तो ऑब्वियसली इट इज़ कमिंग एज जीरो। तो जीरो तो आ रहा है भाई, तो फिर आप लोग क्यों इसको जीरो को हटाने के उस पे पड़े हैं? तो ये सब गलत है, क्योंकि इन सब में जीरो जो है बाहर जा रहा है, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा ऑब्वियसली वो वन से छोटा भी होगा, कि अगर आप देखो तो ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन एक्स, तो दिस इज गोइंग टू बी लेस दैन वन, इट कैन नेवर बी ग्रेटर दैन वन ऑल्सो, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। बाकी इसको करने का तरीका है कि वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना के इसकी डी ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो करेंगे हम लोग, और इस तरीके से फिर ऐसे क्वेश्चंस का हम लोग रेंज निकालते हैं। आपने शायद से सीखा हो लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप के जो क्वेश्चंस के जो रेंज निकाले जाते हैं वो इस तरीके से वाई लिख के फिर जो क्वाड्रेटिक आती है जो उसका डी जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो हम लोग पता करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली एक्स जो है वो रियल नंबर है, तो एक्स अगर रियल है तो डी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। तो किसी ना किसी क्वेश्चन में हम लोग आगे चल के काम करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो एक तो आप देख लीजिए एक्स जो है आपका टू और माइनस टू नहीं हो सकता, ठीक है। आई थिंक ये सभी ऑप्शन में इन लोगों ने ध्यान दिया है कि टू ना हो, माइनस टू भी ना हो, है ना। तो देखिए ओपन इंटरवल लगा हुआ है, कहीं लिया नहीं है शायद, ठीक है। बाकी आपका जो लॉग के अंदर लिखा रहता है बच्चों आर्गुमेंट में, दैट नीड्स टू बी ग्रेटर दैन जीरो, वो ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए। तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर दैन जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन था जिसको मैंने ऐसे तोड़ दिया है बच्चों। तो यहाँ पर जीरो है, यहाँ पे माइनस वन है और यहाँ पे प्लस वन है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाएंगे अगर, तो अब आप देखिए प्लस, ठीक है, माइनस, क्योंकि ये सब लीनियर है और तो इस तरीके से साइन चेंज होता है। आपको क्या चाहिए था? ग्रेटर दैन जीरो। तो ग्रेटर दैन जीरो कहाँ पर है? माइनस वन से जीरो और यूनियन, क्योंकि दो इंक्लूड नहीं कर सकते, तो एक से दो यूनियन, ठीक है, फिर आपका दो से इन्फिनिटी, एक से दो फिर दो से इन्फिनिटी, ठीक है। तो फाइव का सी दिख रहा है आपको, माइनस वन से जीरो, एक से दो फिर दो से इन्फिनिटी, दो को हटाना था, ठीक है। तो यही वो ऑप्शन है बच्चों सी वाला। आपने देखा कैसे एकदम सिंपल वेविक का मेथड अगर आपको आता है तो आप आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का रेंज, इस क्वेश्चन में भी भाई जीरो इंक्लूडेड होगा, है ना, हमेशा ध्यान रखें, कह रहे हैं कि जीरो इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। तो कह रहे आर है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये आर नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए नीचे वाली चीज़ ज़्यादा है, बिल्कुल पिछले जैसा है। तो इसका आंसर या तो माइनस वन से वन होगा या फिर माइनस वन से वन के बीच में होगा, तो ये भी नहीं होगा बच्चों, या तो सिक्स का बी है या तो सिक्स का ए है। अब ये कह रहे वन और माइनस, निकालना नहीं चाहते हम लोग, ये खुद ही कह रहे माइनस वन और वन इंक्लूडेड नहीं है, कह रहे हैं कि है इंक्लूडेड। तो लेट अस चेक, क्या वन सच में नहीं आ पाएगा इसमें? क्या कोई एक्स की वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए वन नहीं आएगा? तो लेट्स चेक भाई, तो वन प्लस मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसा बोल रहे हैं। तो चलिए एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो के लिए हम लोग चेक करते हैं। तो ये वन प्लस एक्स बराबर एक्स हो जाएगा, ऐसे केस में वन बराबर जीरो हो रहा जो कि नहीं पॉसिबल है। एक्स लेस दैन जीरो लेते हो तो ये वन माइनस एक्स हो जाएगा एंड दिस इज एक्स, ठीक है। तो ये देखिए आ रहा है कि 2x इज इक्वल टू वन, लेकिन x बराबर हाफ पर, x बराबर हाफ तो लेस देन जीरो नहीं है, तो इसका मतलब कि ये वन जो इंक्लूडेड है गलत इंक्लूडेड है, इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच से रेंज वेंज के क्वेश्चन आप कर सकते हैं।
अब डोमेन ऑफ द फंक्शन आ रहा है बच्चों, तो डोमेन ये रूट के अंदर है, तो रूट की चीज़ वैसे ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होती है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो आपको करना है दैट इज़ मॉड एक्स आपका एक्स से बड़ा कहाँ पर है ये देखना है। तो मैं इसे ग्राफ से करूँगा बच्चों, मॉड एक्स का ग्राफ क्योंकि मुझे आता है, तो मैं मॉड एक्स का एक तो ग्राफ बनाऊँगा बच्चों। तो ये पी लेस बना दिया, और वाई बराबर एक्स का एक तो मैं ग्राफ बनाऊँगा बच्चों, उसको ग्रीन से बना। तो यहाँ तो y बराबर x और मॉड x सेम ही है ना, और यहाँ पर आपका y बराबर x छोटा है। तो देखिए ये तो मॉड x ग्रेटर देन x की बात हो रही है, यहाँ तो ये दोनों बराबर है, तो बराबर वाला पोर्शन नहीं ले सकते, यानी कि जीरो से इन्फिनिटी वाली चीज़ नहीं ले सकते। तो कहीं पे भी जीरो से इन्फिनिटी अगर इंक्लूडेड बच्चों, तो फिर वो नहीं लिया जाएगा। तीन ऑप्शन गए। अब यहाँ देखिए आपका ये मॉड एक्स ऊपर है और ये एक्स नीचे है, तो कौन बड़ा? जहाँ पे मॉड एक्स एक्स से बड़ा है वो आपका माइनस इन्फिनिटी से ओपन इंटरवल जीरो। जीरो तो वैसे भी नहीं ले सकते, जीरो लोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आप देखिए कि रिपीट हुआ था बच्चों, आपको याद ही होगा कि दिस क्वेश्चन वॉज रिपीटेड, अभी थोड़ी देर पहले आया था। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते, देखिए 1/4 - x² एंड log 10 x³ - x, है ना, बस केवल 1/ था या 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज सिमिलर। आई थिंक ये ऑप्शन होगा आपका, है ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर बच्चों आपका क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और उसके अगर रूट निकल रहे हैं, तो फिर ये दो सोल्यूशन, चार सोल्यूशन, नो इंटीग्रल सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन निकल रहे हैं तो इस टाइप के सोल्यूशन तो नहीं हो सकते कभी भी। मैं आपको बता दूं, एज हमेशा यही आंसर होता है, क्यों? अब मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। पहले ही मैं लगा सकता हूँ क्योंकि इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला है कि, अब जैसे मैं बोला नो इंटीग्रल सोल्यूशन, ठीक है, ये गलत है। अगर ये बोलते नो सोल्यूशन तो आई वुड हैव टू चेक फॉर द डी ऑल्सो, ठीक है, डी के बारे में हम लोग चेक करते वहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी के लिए क्या है अपने पास, तो अभी हम लोग इसको कैसे करेंगे, ग्रेटेस्ट फंक्शन का होल स्क्वायर प्लस टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और ये दो बाहर आ जाएगा, ये आई थिंक इतनी प्रॉपर्टी आपको पता होगी, ठीक है बच्चों। तो ग्रेटेस्ट ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ग्रेटेस्ट ऑफ फंक्शन -3 इज इक्वल टू जीरो। तो -3 के ऐसे फैक्टर करने के 2 आए बच्चों, ठीक है, तो कैसे लिखें इसको, 3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -3 इज इक्वल टू जीरो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को कॉमन ले लिया बच्चों, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 3 -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 1 आ रहा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज कमिंग आउट टू बी -3 बच्चों। अब देखो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 1 होता केवल, भाई 1.1 का भी तो 1 होता है, 1.2 का भी तो 1 होता है, 1.3 का भी, 1.31 का भी, तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर ये सॉल्व हो जा रही है, अगर ये सॉल्व हो जा रही है इक्वेशन, तो फिर ठीक है, तो फिर 100% बच्चों इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस ही आंसर आएंगे, अगर इंटीजर इसके सोल्यूशंस आ रहे हैं तो, ठीक है। अब कम नो इंटीग्रल सोल्यूशंस आते, जैसे मान लीजिए आ जाता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 2.2, तो नॉट पॉसिबल, है ना, ऐसी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकती, फिर उसी केस में नो इंटीग्रल सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो क्लियर है? तो इस तरीके दो सोल्यूशन, फोर सोल्यूशन, ये सब पॉसिबिलिटी नहीं बनती है बच्चों, ठीक है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी वहाँ पर क्या बनती थी बोलो, ज़्यादा पॉसिबिलिटी वहाँ पर किस बात की बनती थी, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की। तो अपने को ये थोड़ा सा क्वेश्चन इज टिल्टेड टूवर्ड्स विच वे, है ना, तो ये भी बहुत हेल्प करता है। सो एफएक्स बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट, पता नहीं आप लोगों ने केबीसी देखा है कि नहीं, तो केबीसी में आप कभी भी देखना कि जो लोग करोड़पति जीतते हैं, है ना, जो लोग करोड़पति
जीतते हैं, मतलब जीतते का मतलब कि 1-1 करोड़ तक कम से कम पहुंच जाते हैं बच्चों, वो लोग थोड़ा सा रिस्क भी लेते हैं। उनको जहाँ पे थोड़ा सा लगता है यार इसकी तरफ ज़्यादा झुकाव है क्वेश्चन के आंसर का, लोग ले लेते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा कम रिस्क लेते हैं बच्चों, दे नेवर रीच दैट पोजिशन, वो जल्दी जो है क्या कहते हैं छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर आपका दिल कह रहा है कि इसकी तरफ बहुत ज़्यादा टिल्टेड है, मतलब आपका मन लग ही रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बच्चों ये टिल्टेड है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की तरफ, है ना। अब जैसे कि इस वाले में 2 इज़ मिसिंग, है ना, ये सब फैक्टर्स आप ध्यान रखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, इसके पहले क्वेश्चन था कहीं पे काफ़ी टिल्टेड है क्वेश्चन कि देखो 0 ले रहा है नहीं ले रहा है वाली एक सिचुएशन है, ये -1 और 1 के बीच में जाएगी। तो इस तरीके की जो थिंकिंग है वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच को आपके बढ़ाती है। तो आप हर क्वेश्चन में कोशिश करा करें थोड़ा बहुत सोचने का, ये निंजा विंजा टेक्निक लगाने की, दैट में हेल्प इन द लॉन्ग रन। ठीक है, हर क्वेश्चन में नहीं करना है कि ऐसे ही अंधी चुक्की नहीं माननी है, बट हाँ एक फील भी आना चाहिए, ठीक है आपको, कि क्या हो सकता है। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बच्चों, यू नो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल FX = AX² + BX + C, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है और A is not equal to 0, यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि क्वाड्रेटिक लिखा है तो पक्का। तो अब हम लोग x की जगह -1 रखेंगे तो दिस विल बिकम व्हाट, A - B + C, तो F(-1) हो गया। F(2) के बारे में बात करते हो बच्चों, तो ये 4A + 2B + C = 0। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि आपके पास एक इक्वेशन बन के आ रही है, दैट इज 5A + B + 2C = 0, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ FX is 3, एक रूट इसकी 3 है, तो यानी कि F3 जो है वो 0 होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। फिर क्या आएगा आपके पास, 9A + 3B + C = 0। ठीक है, देन इट्स अदर रूट लाइज इन, दूसरी रूट कहाँ लाई करेगी, किस इंटरवल के बीच में लाई करेगी, ये बोल रहे। ठीक है, तो कैसे करें भाई, तो देखो अगर मेरे को क्या इसमें इजी लगता है जो कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो C/A है। ठीक है, और वन ऑफ द रूट वी ऑलरेडी नो कि अल्फा जो है वो 3 है, तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी वो हम पता कर सकते हो बच्चों, कि बीटा विल बी C/3A, है ना। तो ये C/A कहाँ लाई करता है, दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि बीटा कहाँ लाई करेगा। तो C/A कैसे आ सकता है, जब A से हम लोग इसको पूरे को डिवाइड कर दें, तो 2C/A + B/A + 5 = 0। ठीक है, इसमें भी जब हम लोग करेंगे तो C/A + 3 times B/A + 9 = 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इसको -3 से बच्चों मल्टीप्लाई कर दें और फिर दोनों को ऐड कर दें, तो -6C/A + C/A दैट इज -5/A, -6/A + C/A इज गोइंग टू बी -5/A, ये दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। दिस इज -15 + 9, दिस इज गोइंग टू बी -6। ठीक है, ये C/A था, देख लो भाई -15 + 9 क्या हो जाएगा, -6। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि C/A की वैल्यू क्या आ रही है, C/A इज कमिंग आउट टू बी -6/5, है ना, -6/5 ही है। अब ये क्या था, बीटा, बीटा क्या था, -6/5 और नीचे एक 3 था, तो ये -2/5 और ये आपका -2/5 इसी के अंदर लाई कर रहा है -1 से 0 में। ठीक है, तो 10th का ए हो रहा है। ठीक है, सही है, तो देखा आपने कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया, समझ में आ रहा है आपको। चलिए ये क्वेश्चन करते हो बच्चों, इफ F(1, 3) बिलोंग्स टू, एक सेकेंड, तो देखिए ये 1 से 3 तक इसका डोमेन है और R इसका कोडोमेन है,
तो बोल रहे एफ एक्स और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस दैन और इक्वल टू एक्स देन द रेंज ऑफ एफ इज. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर को पहले डिफाइन करना होगा. अब जैसे एक्स हमारा वन से, पहले हम लोग इसे वन से टू के बीच में लेते हैं, वन से टू के बीच में लेते हैं. फिर एक बार हम लोग इसे टू से लेकर थ्री के बीच में लेंगे. दो ही डिफिनीशन हो सकती हैं इसके अंदर. तो यहाँ पर आपका वन से लेकर टू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वन ही होगा, जैसे 1.3 है तो वन ही आएगा. तो ये y आपका x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर फंक्शन है. यहाँ पे जो आपका फंक्शन है दैट इज़ y इज इक्वल टू 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. अच्छा, दोनों में आप देखिए कि नीचे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक वाला चीज़ है, एक से दो के बीच में भी और दो से तीन में भी. तो ऑब्वियसली लिमिट्स विमिट्स में थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा. तो डिनोमिनेटर इज गोइंग टू इंक्रीज व्हेन आई एम गोइंग टू इंक्रीज द x, यानी कि डिनोमिनेटर का जो इंक्रीज है वो न्यूमरेटर के इंक्रीज से काफ़ी ज़्यादा होगा बच्चों. तो यानी कि ओवरऑल व्हाट डू यू अज्यूम कि द फंक्शन इज गोइंग टू डिक्रीज, द फंक्शन इज गोइंग टू डिक्रीज. तो जब भी फंक्शन इज गोइंग टू डिक्रीज तो व्हाट हैपेंस कि लोवेस्ट वैल्यू कम्स जो है दूसरे वाले की तरफ, द लोएस्ट वन कम्स ज़्यादा वाले की तरफ, है ना. और जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो पहले जो रहता है आपके इंटरवल में उस पर. तो यानी कि इफ आई वॉन्ट टू नो कि वाई क्या होगा, और एनी हाउ इट्स अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन दिस इंटरवल, है ना. तो टू रख दीजिए आप इसमें, तो टू वन प्लस टू का स्क्वायर दैट इज़ फाइव. तो टू बाई फाइव से बच्चों शुरू होगा ये. अब टू रख चुके हैं, वन रख दीजिए, तो वन बाइट वन अपॉन वन प्लस स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, एक बटे दो, एक बटे दो. तो टू बाई टू, वन बाई टू तो आना ही चाहिए बच्चों, इसी में दिख रहा है. अब थोड़ा सा जैसे मान लीजिए आप थोड़ा सा रिस्क टेकर हैं तो मे बी यू कैन गो नाउ विद ऑप्शन बी, ठीक है. अब चलिए थ्री बाई फाइव और फोर बाई, अब आप रिस्क टेकर नहीं हैं, है ना, क्योंकि कई बार क्या है धक्का भी लग सकता है आपको बहुत, कि इतने से ज़रूरी नहीं कि आंसर आ ही जाए, ठीक है, क्योंकि कहीं और नहीं था इस तरीके का ऑप्शन इसलिए मैंने बोला. अब आप थ्री रखिए बच्चों, तो सिक्स और थ्री का, तो ये देखिए थ्री बाई फाइव, बहुत बढ़िया, ये थ्री बाई फाइव इंक्लूड हो रहा है इसमें. और फिर थ्री रख चुके, अब टू रखिए, तो फोर और फोर बाई फाइव, बिल्कुल 100% बी ऑप्शन सही है बच्चों, ठीक है. तो थोड़ा सा इंतज़ार किया, ठीक है, जल्दबाजी नहीं दिखाई और आंसर हमारा बिल्कुल सही हो चुका है बच्चों, बी ऑप्शन. तो समझ में आ रहा है कि किस तरीके से वी आर टैकलिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ फंक्शंस, है ना. बिल्कुल भी टफ नहीं लग रहा होगा आपको, ठीक है. आई होप यू आर फाइंडिंग इट कि ये तो अमेजिंग चैप्टर है, इट्स अ अमेजिंग चैप्टर. ये महासरल क्वेश्चन होते हैं बच्चों, एफ एक्स जैसे दिया है आपको लॉग ई वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स. अब इसमें कुछ तो एफ में बोल रहा है कि भाई एफ ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना जो x की जगह बस केवल आपको ये रख देना है, ठीक है. तो log ही 1 माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, x की जगह ये रख देना पूरा तीन झाम, और ये हो जाएगा 1 प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है. अब ये बन क्या जाएगा आपका ऊपर की तरफ न्यूमरेटर log के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स. कोई भी देख के बता सकता है बच्चों, है ना, कि क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज x माइनस वन का होल स्क्वायर, या क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स जो है वन माइनस एक्स टाइप से लिखा है, तो ये भी लिख सकते हो इसको वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर log. अब log में ये टू आगे चला आते हैं, तो टू टाइम्स log वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स. अभी क्लियरली एफ एक्स दिख रहा है, तो ए ऑप्शन आपका टू एफ एक्स यहाँ पर नज़र आ रहा है. तो क्लियर है, बोलिए, सिंपल है बच्चों. अब 13th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग. तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स दिया है कि a की पावर x है, एंड दे आर टेलिंग कि इस एफ एक्स को आप दो पार्ट में लिख सकते हो, एक एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, जहाँ पे एफ वन एक्स जो है आपका इवन फंक्शन है और एफ टू एक्स एक ऑड फंक्शन है. तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले आप a की पावर x को ऐसे लिखें, a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x बाई टू
प्लस ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स बाई टू। ऑड इवन वाला चीज़ पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि एक किसी फंक्शन को आप ऑड इवन में इस तरीके से तोड़ सकते हो बच्चों। तो ये वाला इवन वाला पार्ट है और ये वाला आपका ऑड वाला पार्ट है, ठीक है। तो दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट दिस एफ वन फंक्शन। तो एफ वन फंक्शन वी ऑलरेडी नो, एफ वन एक्स इज नथिंग बट ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स बाई टू। तो एफ वन एक्स प्लस वाई क्या होगा? सो दिस विल हैपन कि ए एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन टू, ठीक है। और फिर इन्होंने एफ वन एक्स माइनस वाई किया है तो ए एक्स माइनस वाई फिर प्लस ए माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। तो वन बाई टू बाहर ले लीजिए आप, ठीक है। एंड दिस इज ए की पावर एक्स प्लस वाई प्लस ए की पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस ए की पावर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस ए की पावर माइनस एक्स और क्या है प्लस वाई, ये है। अब ए की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना, ए की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो ये बच्चा a की पावर y प्लस a की पावर माइनस y, ठीक है, प्लस a की पावर माइनस x, दिस इज a की पावर y प्लस a की पावर माइनस y डिवाइडेड बाई टू। अब यहाँ से a की पावर y प्लस a की पावर माइनस y बच्चों आप कॉमन ले सकते हैं, सो दिस इज हाफ a की पावर y प्लस a की पावर माइनस y, और यहाँ पर a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x अलग हो जाएगा। देख लीजिए आप, फैक्टराइज हो गया ना। अब इसमें अगर हम एक दो इसके साथ रख दें और एक दो इसके साथ कर लें तो एक एक्स्ट्रा दो इधर आ जाए। अब एक इसमें से एफ वन एक्स है ये वाला, और ये वाला आपका एफ वन वाई है। तो ये टू टाइम्स एफ वन एक्स इंटू एफ वन वाई ए बन गया है, विच इज़ ए ऑप्शन, विच इज़ ए ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब ये क्वेश्चन बच्चों इंटरेस्टिंग है। इसमें एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है कि एफ एन जो है वो 1/3 प्लस 3n अपॉन 100 टाइम्स n है, और आपको 56 तक बच्चों इसको ऐड करना है। n इज इक्वल टू 1 से लेकर 56 तक एफ एन निकालना है। तो इसका मतलब हमें अलग अलग n पे देखना है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों जब तक ये 1 नहीं होगा, है ना, जब तक ये अंदर का 1 नहीं होगा एग्जैक्ट 1, तब तक ये 0 आता रहे। तो ये 1 कब होगा? जब ये 1/3 है तो ये 2/3 जब होगा, तो 2/3 इज इक्वल टू 3n/100, है ना। ऐसे देख लेते हैं हम लोग कि n की किस वैल्यू के लिए ये होने जा रहे हैं। तो ये 200/9, ठीक है, उसके बाद से ही ऐसा होगा। तो 200, और ये इंटीजर्स हैं बिकॉज यहाँ से देख सकते हैं n बराबर 1 से लेकर 56 तक लिखा हुआ है। तो 9 से डिवाइड करें तो 9 2 जा 18 20 9 2 जा 18, तो 2 है ना, तो 9 पॉइंट, तो ये 23 से बच्चों होगा क्योंकि 22.2 पे यानी 22 ही तक आप ले सकते हो। तो 1 से लेकर 22 तक तो ये 0 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है 0 से लेकर 22 तक, और 22 के बाद से बच्चों ये 1 शुरू हो जाएगा, यानी कि हमारे जो नंबर आएंगे वो 23, क्योंकि n है ना, ये तो ये चीज़ तो आपकी 1 आएगी। यार एक कलर नहीं दिखता, है ना, ये चीज़ तो आपकी अब 1 आने लगेगी। तो ये 23 आएगा, फिर 24 आएगा, पर 25 आएगा, लेकिन ये कब तक बोलो कब तक? तो जब तक कि अंदर की चीज़ 2 ना बन जाए। अभी अंदर की चीज़ 2 कब बनेगी? तो ये अगर 2/6 लिखें तो ये जब 4/6 हो जाए तो ये 6/6 1 होता है ना। अच्छा, तो 2 बनाने के लिए क्या करें बच्चों इसको? तो 2 बनने के लिए 12 होना चाहिए ना, तो 10 सही है। तो 10/6 या ऐसे भी लिख सकते थे 1/3 प्लस 5/3, हाँ ये सही है, 5/3, 6/3 इज 2। तो ये इसी तरीके से फिर से चेक कर रहे हैं कि 5/3 कब होगा ये एन की किस वैल्यू के लिए। तो 500/9 इस बार, 500/9, तो 9 5 जब 45, बहुत बढ़िया,
50, 9 3 9 4 36, 9 5 45, तो 55 पॉइंट समथिंग आ रहा है बच्चों। तो यानी 55 तक ये ऐसे ही चलेगा, 55 तक ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है, 23 से लेकर 55 तक ये ऐसे ही चलेगा। और अभी 56 है, लेकिन 56 में ये 2 हो जाएगा, तो 2 into 56, इसी का बस आपको सम करना है बच्चों। किसका सम करना है, मैं इधर लिख लेता हूँ, 23 प्लस 24 से लेकर 55 तक, और फिर 112 ऐड करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिर एस एम लगा दें हम लोग, तो कितने नंबर्स हो जाएंगे, 55 माइनस 23 प्लस 1, कितने नंबर हो जाएंगे, 5 3 2 और 32 और 1, सही है भाई, 33। तो 33/2 2a यानी कि 46 प्लस n माइनस 1 कितने थे, 32 इंटू 1 और प्लस 112, ठीक है। तो ये 2 से ये 23 हुआ और ये आपका 16 हुआ, तो 6 3 9 39, 39 into 33, तो 3 9 27, 2 3 3 9 2 11, 3 9 27, 2 3 3 9 11, तो 7 8 1 2 8 7, तो ये आया 1 2 8 7 और यहाँ पे 112, तो 7 2 9 9 1 3 9 9, तो है ना, डी ऑप्शन है बच्चों, 1 3 9 9, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, लेट एफ बी एन ऑड फंक्शन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो ये ऑड फंक्शन है और सारे रियल नंबर्स पे ये ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन क्या होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स होता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वो कैसे डिफाइंड है, वो डिफाइंड है 3 sin x + 4 sin x, और दिस इज ओनली डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो के लिए ही, मतलब नेगेटिव के लिए अपने को फंक्शन नहीं मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जैसे कह रहे हैं कि -11π/6, तो हम यहाँ जाएं अगर, तो -11π/6 अगर हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ 11π/6 रख, तो दिस विल बेसिकली भी जो भी आंसर आपका 11π/6 का है वो माइनस कर दो तो ये वैल्यू निकल आए। तो वी आर मोर कंसर्न, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही निकाली जा सकती, तो हम 11π/6 यहाँ पर रख देंगे। तो बस कुछ नहीं कैलकुलेट करना है, 3 11π/6 प्लस 4 sin 11π/6, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कुछ तो 2π - π/6 हो जाएगा, आई थिंक 3 sin है ना, क्योंकि 12 में से, तो इधर भी हो जाएगा 4 sin, अच्छा cos, ये तो हो गया था कल्याण है ना क्वेश्चन का, तो 4 cos, ये भी 2π - π/6, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो दिस इज -3 sin π/6 और ये प्लस, तो 4 cos π/6, अब माइनस हो जाएगा माइनस 10, सो दिस इज गोइंग टू बी -4 cos π/6 प्लस 3/2। अब cos 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, cos 30 इज नथिंग बट √3/2, तो -2√3, तो कितना है भाई, 3/2 - 2√3, तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते चलते बच्चों, 16th क्वेश्चन अब हम लोग कर रहे हैं समय, ठीक है। अब इसको देखते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई माइनस ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ ए प्लस वाई, और अपने को दिया क्या है कि f 0 0 है, तो बताओ f ऑफ 2a - x क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, कि x और y को 0 रखते हैं, क्यों भाई, क्योंकि कुछ तो निकालना पड़ेगा भाई, दिया है अपने को f 0 = 0, तो x और y को 0 रख देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये f 0, तो f 0 इंटू f 0 माइनस एफ ए, देखो यहाँ से एफ ए का पता चलेगा अपने एफ ए, तो एफ जीरो का होल स्क्वायर, एफ जीरो तो जीरो ही है, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो क्या आप देख पा रहे हो कि एफ ए भी जीरो, भाई बोलो सब लोग, एफ ए भी जीरो है।
अब यहाँ डिफरेंस में चीज़ों को हमें लिखना है, एक सेकेंड रेड का, यहाँ देखिए डिफरेंस में चीज़ों को लिखना है, तो एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स को कैसे हम लोग डिफरेंस में लिख सकते हो, तो डिफरेंस में कैसे लिख सकते हैं, एक की वैल्यू पता है एक्स माइनस वाई वगैरह टाइप से चीज़ें पता है, तो कैसे मतलब ए माइनस एक्स वगैरह आ रहा देखो ऑप्शन में, तो ए माइनस एक्स माइनस ए ऐसे लिखेंगे आप तो टू ए माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, ऐसे लिखते हैं ठीक है, ए माइनस एक्स लिखेंगे तो एफ एक्स ही हो जाएगा, ए माइनस एक्स माइनस ए लिखें ठीक है, एनी हाउ वाई इज़ नॉट कमिंग देयर, वी नीड ओनली ए और x से ही काम चल जाएगा। अब इनको यूज़ करो, ये क्या बोलता है कि f ऑफ x इंटू एफ वाई, तो x ये है और y ये, तो अब लिखो यहाँ पर एफ ए इंटू एफ ऑफ x माइनस ए माइनस एफ ऑफ a माइनस x, a में से x को घटाना, a में से x को घटाना है, तो ये f जीरो हुआ वो, तो है ना, ए में से एक्स, ए में से हमारा एक्स तो ए ही है, हाँ भाई ये तो एफ जीरो है ठीक है, सही है ना। अब नेक्स्ट क्या है, ए प्लस वाई, ए प्लस वाई, ए प्लस क्या है, ए प्लस तो ये वाई है, तो ए प्लस एक्स माइनस ए, तो दिस इज एफ एक्स, तो माइनस एफ नॉट एफ एक्स, एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज, तो एफ ऑफ ए तो जीरो था बोलो, दिस वॉज जीरो ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली एफ नॉट इंटू एक्स, एफ जीरो जीरो नहीं है भाई, नहीं तो फिर यहाँ आंसर नहीं आएगा, एफ जीरो इज वन ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए, एफ जीरो इज वन, नहीं तो एफ जीरो जीरो होता ना तो फिर ये गया था, f जीरो इज बच्चों वन ठीक है, तो ही माइनस एफ एक्स आएगा। अब चलिए अगर f जीरो वन है तो फिर ये जो कर दिया ये भी गलती है, एक सेकेंड लेट मी डू दिस करेक्शन इज देयर इन दिस क्वेश्चन ठीक है, f जीरो इज इक्वल टू f जीरो, तो f जीरो अगर वन है तो दिस इज वन एंड दिस इज ऑल्सो वन का स्क्वायर वन, तो ये कैंसिल एंड देन ऑल्सो योर f a इज जीरो, तो ये करेक्ट कर लीजिए आप, f जीरो इज वन, तो फिर आपका आंसर आ रहा है माइनस एफ एक्स ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे बच्चों ठीक है, अब यहां पर देखिए वाई नहीं एक और है शायद, फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, आज तो नहीं कर पाएंगे, मेरी थोड़ा स्पेशल क्लास होने वाली है ठीक है, तो ये हो गया था 17 इज़ वेरी इजी बच्चों, दे आर टेलिंग कि ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन एक्स बराबर टू, तो सिमेट्रिकल अबाउट लाइन एक्स बराबर टू, देखिए तो सिमेट्रिकल होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये सिमेट्रिकल है, तो जो वाई की वैल्यू यहाँ होगी वही वाई की वैल्यू यहाँ होगी, तो दो से मान लीजिए एक्स दूरी पर हम लोग जाते तो क्या होगा टू प्लस एक्स, है ना, और दो से एक्स दूरी हम लोग माइनस करते हैं, ये टू में एक्स दूरी जोड़ी है, तो क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहे तो प्लस और इस डायरेक्शन में जा रहे तो माइनस, तो ये टू माइनस एक्स, तो ऑब्वियसली जो वाई वैल्यू होगी वो क्या बोली जाएगी एफ ऑफ टू प्लस एक्स, और इधर वाली वाई वैल्यू कैसे लिखी जाएगी टू माइनस एक्स, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो एफ ऑफ टू प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टू माइनस एक्स ठीक है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो बी हमारा सही है, एफ ऑफ टू प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टू माइनस एक्स ठीक है। अब आप देखिए कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, एफ वाई कभी भी दिया गया हो आपको तो आपको लिखना है एफ एक्स को के एक्स, ध्यान रखें लीनियर फंक्शन होता है। अब आपको दिया कि एफ वन इज इक्वल टू सेवन, तो एफ वन इज इक्वल टू k एंड इट इज़ गिवन एज सेवन, तो k जो है वो सेवन है, तो बहुत जल्दी कर रहा हूँ मैं ठीक है, थोड़ा टाइम कम है, तो अगर आप इनको लिखोगे तो ये आंसर आएगा 7 प्लस 14 प्लस 21, रख के देखे ना, F1 यहाँ पे FX जो है 7X है, K की जगह मैंने 7 रख दिया, तो 1 रखिए तो 7 आ रहा है, 2 रखिए तो 14 आ रहा है, 3 रखिए तो 21, ऐसे रखते रखते आपको 7N तक जाना है ठीक है। अब 7 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3
से लेकर एन तक बच्चों, तो दिस इज ए सेवन टाइम्स एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 18 क्वेश्चंस कर लिए बच्चों, हाँ 18 सवाल किए बच्चों। ठीक है, फिर आपसे हम लोग जो है जल्दी मिलते हैं, वो क्वाड्रेटिक के आप क्वेश्चंस करेंगे, तो इस तरीके से रिवीजन आपका हो रहा होगा। ठीक है, और बहुत सारे टीचर वन शॉट बना रहे हैं, आप उनके वन शॉट देख के रिवाइज करके आइए यहाँ पर और हमारे साथ PYQs बच्चों सॉल्व करिए। चलिए बच्चों, बाय बाय, और आपके पास नोट्स हैं उनसे रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।